साल 2022 सभी के लिए कैसा होगा, किस्मत के सितारे क्या कहेंगे, बिजनेस, निवेश, नौकरी, सेवा आदि के क्षेत्रों में क्या होने वाला है, नए साल में संबंध कैसे होंगे, स्वास्थ्य के क्षेत्र में स्थिति कैसी होगी, करियर कैसा होगा, पूरे साल भर क्या रहेंगे राशियों पर ग्रहों के प्रभाव, हम बताएंगे आपको इस वर्ष हर राशि के साल भर का हाल। तो चलिए जानते हैं कि सिंह राशि वालों के लिए कैसा होगा ये साल और क्या है उपाय। करियर के दृष्टिकोण से ये वर्ष मिला जुला रहने की संभावना है। वर्ष की शुरुआत बहुत अच्छी रहेगी। इस दौरान आप अपने कार्य के प्रति अधिक ध्यान केंद्रित करेंगे। मई के पश्चात आप कार्य क्षेत्र से संबंधित किसी यात्रा पर जा सकते हैं। सप्तम भाव में गुरु की स्थिति के कारण आप अपने काम और पेशे में काफी प्रगति करेंगे। यदि आप साझेदारी में किसी काम से जुड़े हैं तो आय के नए स्रोत मिलने के भी प्रबल संकेत हैं। आपको वांछित लाभ प्राप्त होगा और आप अपने व्यवसाय से संतुष्ट रहने वाले हैं। जो लोग नौकरी के क्षेत्र में हैं, उन्हें कार्यस्थल पर अधिक मान सम्मान मिलेगा। साथ ही साथ साल के उत्तरार्ध में थोड़ा प्रतिकूल परिणाम मिलने की आशंका है। इस अवधि के दौरान आपके शत्रु आपके लिए बाधा उत्पन्न कर सकते हैं, लेकिन छठे भाव पर शनि के सकारात्मक प्रभाव के कारण आपके काम और पेशे पर इसका कोई नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ेगा। सिंह जातकों के परिवार में इस वर्ष सामंजस्य बना रहेगा, तो कभी कभी परिवार में दिक्कतों का सामना भी करना पड़ सकता है। इस साल सिंह जातकों को अपने माता पिता के स्वास्थ्य का पूरा ध्यान रखना होगा। विवाहित सिंह राशि के जातकों को दूसरे संतान की खुशी मिल सकती है। इसके अलावा विवाह के लिहाज से भी सिंह राशि के जातकों के लिए ये वर्ष बहुत अच्छा रहने वाला है। आपको अपने विरोधियों से बेहद सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि वो आपके जीवन में किसी प्रकार की मुसीबत खड़ी कर सकते हैं। ये साल आर्थिक मामले में मिश्रित प्रभाव देने वाला रहेगा, लेकिन इस साल अधिक खर्चे रहने से आपकी आर्थिक स्थिति पर इसका सीधा असर पड़ेगा। इस साल आपको अपनी आमदनी बढ़ाने पर ज्यादा ध्यान देना होगा, अन्यथा बाद में परेशानी हो सकती है। जून से अक्टूबर के दौरान आपके पास पैसे का अच्छा स्रोत होगा और आप अच्छा धन अर्जित करने में सफल हो पाएंगे। अप्रैल के बाद की समय बेहद शुभ रहने वाली है और ये बताती है कि आप इस अवधि के दौरान पेशेवर रूप से या दोस्तों, जीवन साथी या भागीदारों के माध्यम से धन अर्जित करने में भी कामयाब रहने वाले हैं। पढ़ाई के क्षेत्र में इस वर्ष मिले जुले परिणाम मिलने की संभावना है। इस दौरान आपको पढ़ाई में चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। छात्रों का पढ़ाई में मन कम लगेगा, किसी कारण से आपकी पढ़ाई प्रभावित होगी। यदि आप प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए अप्रैल के पश्चात का समय विशेष रूप से अनुकूल रहेगा। उच्च शिक्षा के इच्छुक छात्रों को मनवांछित स्थानों पर दाखिला मिल सकता है। जो लोग विदेश में उच्च शिक्षा के लिए जाना चाहते हैं, उन साल के आखिरी भाग में यानी सितंबर से दिसंबर तक के मध्य शुभ समाचार हासिल हो सकते हैं। इस वर्ष सिंह राशि के जातकों को स्वास्थ्य संबंधी मामलों में कुछ समस्याएं आ सकती हैं। ऐसे में जरूरत है कि वो पहले से अपने स्वास्थ्य को लेकर सजग रहे। चुनौतीपूर्ण समय होने की प्रबल संभावना है। इस दौरान आपको पेट, हाथ और गुर्दे से संबंधित बीमारियां परेशानी दे सकती हैं। इसके अलावा वायु रोग और जोड़ों के रोग में भी आपको सावधान रहने की जरूरत है। नियमित रूप से योग, कसरत करते रहें और समय समय पर डॉक्टरों से परामर्श लेते रहें, ये आपके लिए लाभदायक होगा। सिंह राशि वाले सूर्य को मजबूत बनाने के लिए नित्य सूर्य देव को जल चढ़ाएं। रविवार के दिन सूर्य देव की विशेष पूजा करें, हनुमान चालीसा का पाठ करें और गुड़ का दान करें। निर्धन व्यक्तियों की मदद करें, पिता की सेवा करें। ऐसा करने से सूर्य शुभ होते हैं और अच्छा फल देते हैं। डिजिटल इंडिया का डिजिटल न्यू प्लेटफॉर्म लाइव VNS पिछले 7 वर्षों से बनारस की सेवा में। पाइए बनारस के कोने कोने की खबर निष्पक्षता के साथ लाइव VNS से। बनारस की ताजा तरीन खबरों के लिए प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए लाइव VNS ऐप या फॉलो कीजिए लाइव VNS को सोशल मीडिया पर।